नमस्कार, डीएसटी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने की बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 घंटे के भीतर ही खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने की बात फालतू। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह के लिए जेडीयू ने अपनी जुबान खोली है, लेकिन खुद नीतीश कुमार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया इसके उलट आई है। पटना में पत्रकारों ने जेडीयू की मांग पर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के महासचिव केसी त्यागी के मीडिया में आए बयान को बिल्कुल ही काटते हुए उसे फालतू बात करार दिया है। बुधवार को खबर आई थी कि जेडीयू ने केंद्रीय कैबिनेट में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इस मांग को लेकर बीजेपी आलाकमान या फिर मोदी सरकार की तरफ से भी इस मांग पर त्वरित सक्रियता नहीं दिखाई गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर नीतीश अपने ही पार्टी की बात से पलट गए। पटना में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर माल्यार्पण करने के बाद अपनी कार की ओर बढ़ते हुए नीतीश ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। नीतीश जवाब देते वक्त अनमने भी नजर आए। नीतीश ने पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद को संबोधित किया था। उनके भाषण का जिक्र करते हुए त्यागी ने कहा था कि अगर मोदी और शाह आनुपातिक भागीदारी देने की पहल करते हैं तब जेडीयू इसका स्वागत करेगी। सूत्रों की माने तो जेडीयू की उम्मीद पर बीजेपी के ठंडे रुख ने भी स्टैंड बदलने को मजबूर कर दिया है। इससे पहले भी 2017 में बीजेपी के साथ फिर गठबंधन करने और इस साल आम चुनाव के बाद मोदी सरकार में शामिल होने की मंशा जेडीयू ने जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी की ओर से जेडीयू के लिए कैबिनेट का पूरा दरवाजा नहीं खोला गया। नीतीश ने भी इसे स्वाभिमान से जोड़ लिया और मोदी मंत्रिमंडल में इस कार्यकाल के दौरान शामिल न होने की कसम उठाई थी। जेडीयू की जुबान दो बार खाली जा चुकी है, ऐसे में तीसरी बार बगैर किसी ठोस समझौते के जेडीयू दबाव पैदा करने के बाद एक हद से ज्यादा बढ़ने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट डीएचडी न्यूज़।